बिस्मिल्लाम्स मैं हूँ सैविक आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब नाजीन इंतहाई अहम खबरें और आज का प्रोग्राम जो है उसमें मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊँ जो शायद अभी तक पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होगी जब जुल्फ़्कार अली भुटो को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त लिबिया का एक जहाज पाकिस्तान पहुंच गया था भुटो साहब को लेने के लिए जिन्होंने इनकार किया इमरान खान की दफा भी सी वन थर्टी रात को लैंड किया लेकिन इस दफा मामला जरा मुख्तलफ है मैं तफसी बताता हूँ बनी गाला को कारकुनों ने घेरा हुआ सिक्योरिटी का दस्ता अमीन गंडा पर खुद देख रहे हैं उनका एक ऑडियो मैसेज आप जरा सुने लोगों के अंदर गम और गुस्से की लहर दौड़ चुकी है इमरान खान ने जो कल श्रीलंका की मिसाल दी अब तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि जवाबी अमल शुरू होने वाला है पंजाब और केपी के में काम शुरू हो रहा है दो नए ब्रिगेडियर तैनात किए गए एक वो जो अदालतें मैनेज करने का माहिर और दूसरा वो जो शहबाज गिल के मामले को देख रहा है जनरल बाजवा इस वक्त बड़े खुश हैं क्योंकि उनका प्लान जो है मार्शाला का काम कर रहा है वो किस तरह मैं आपको उनकी पूरी गेम आपके सामने रखता हूँ आपको सारा मामला समझ आ जाएगा बाजवा साहब ने मगरबी ममालिक का दौरा क्यों किया अपनी प्रोफाइल को क्यों बड़ा किया उनके जो असल मालिक हैं जिनके असल आका हैं उनसे बड़े खुश हैं ये अरब अमारात सऊदी अरब इनकी मुकम्मल तइद लेकर आए बल्कि उनसे मेडल और एजाजात लेकर आए कि अगर मैं इकतदार पर कब्जा करूँ तो क्या आप लोग मुआशी तौर पर हमारा साथ देंगे इसकी उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी कराई गई कि आपका मुआशी मुकम्मल सिक्योर है पैसों की कोई फिक्र ना करें जितने लगे हम लगाएंगे यहाँ से मामला तय हुआ ये बरतानिया गए वहाँ मामला तय इन्होंने किए और ये मामला पाकिस्तान में मैं इतने ख़राब करूँगा फिर मुझे इकतदार संभालना पड़ेगा तो क्या आप लोग मेरा साथ देंगे नवाज शरीफ को इन्होंने लिया अपने अतमाद में उसके बाद शाही फौज की जो मेहमान खसूसी बनाकर उन्होंने अपना जवाब दे दिया बरतानिया साथ है इसके बाद इन्होंने अमेरिका से बात की वहां सेंट्रल कमांड का सबसे बड़ा चीफ चीफ जो है उनका माइकल क्रोला वो आया जी डिफेंस पूरा वक्त साथ पाकिस्तान लेकर कि जी अमेरिका आपकी हर सूरत में मदद करेगा फिर इन्होंने अब अबलावल जरदारी को यूरोप के दौरे पर भेजा जहां वो नॉर्वे जर्मनी स्वीडन और यूरोपीय यूनियन से मुलाकातें करके उन्हें पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं उन्हें बताएंगे कि देखें ये पाकिस्तान में इमरान खान को हटाना बड़ा ज़रूरी है अगर इमरान खान रहा तो आपके मफादात का तहफ़ नहीं हो सकेगा ये कभी भी नहीं होने देगा इस तरह की कोशिश करें कि पूरी दुनिया को अपने साथ एक मरतबा कर ले क्योंकि याद रखें जब भी मुल्क में मार्शल आ लगता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुकूमत संभालता है तो सबसे पहले उसे जो प्रेशर आता है वो मगरबी दुनिया से फिर मिडिल ईस्ट से आता है कि वो वह आपकी जो इमदाद है वो रोक लेते हैं इस दफा मुआशी इमदाद इन्हें लाजमी चाहिए क्योंकि आपको पता है हालात आपके कितने बुरे हैं बिल्कुल जिस तरह म्यांमार में हुआ जिस तरह इराक़ में हुआ लिबिया में हो, जहाँ फौजी हुकूमतें जब तख्ता उल्टा गया तो दुनिया ने उनके साथ लातअालिकी तो कर ली अकेला कर दी उन्हें अमरीका में पाकिस्तान अमरीका जो है वो पाकिस्तान में जमूरीत के फरोग के लिए और आवाम के साथ अच्छे तल्लक के लिए करोड़ों डॉलर लगाता है उसके बावजूद जो अवाम में इनके हालात है वो आपको पता है अब ऐसी सूरत हाल में अगर वो एक फ़र्द वाहद को पैसे दे दें उसके साथ अपने तल्लुक बेहतर कर लें तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है नेशनल एंडमेंट फंड फॉर डेमोक्रेसी बनाने की कि जिसमें साफियों से लेकर जजे से लेकर जर्नलों को सबको पैसे दे सबकी मिन्नत तरला करें इसीलिए इस वक्त जनरल बाजवा के साथ तकरीबन बैरूनी दुनिया सारी खड़ी है और इमरान खान के सारे मुखालिफ है भुटो साहब के साथ लिबिया था सऊदी अरब था अरब अमारात था लेकिन अवाम किसी हद तक थी कि जो थे उन्हें दबा लिया गया था आज जो बाजवा साहब के साथ खड़े हैं वो सारे के सारे बिना उनकी कोई खदमत इंजाम दिए मेडल भी दे रहे हैं एजाजात भी दे रहे हैं और अब जो सी वन थर्टी जहाज जो किसी सूरत में उन्होंने पाकिस्तान को देना नहीं बनता था दिए जा रहे हैं और ये देख कौन रहा है मजे की बात यूरोप का मुल्क बेल्जियम जहां मुमकिन खबरें हैं कि बाजवा साहब का फार्म हाउस भी है अब ये जो हर जहाज है जिसका सीरियल नंबर सी वन वन टू है आप देखें ये पाकिस्तानी रंगों में रंग कर इसे तोहफा दिया गया ऐसे सात जहाज मजीद दे रहे हैं और ये इब्तदा है क्योंकि यूरोप के साथ पाकिस्तान के तल्क इस वक्त सबसे बेहतर होने चाहिए क्यों माली इमदाद तो मिलती ही मिलती है जहां से ये माल बनाते हैं और सारा आपको पता है कि बैक्स कैंडल सारा करते हैं ये एक जेस्चर है ये किस्त है कि हम आपके साथ है क्योंकि पाकिस्तान उन्हें चाहिए यूक्रेन का मसला बड़ा होता जा रहा है वहां इन्हें चाहिए हर सूरत में चाहिए और इमरान खान किसी जरूरत नहीं मानेगा इमरान खान के साथ इस वक्त सिर्फ अवाम खड़ी है और यही हालात तुर्की में हुए थे यही हालात तंजानिया में हुए थे और यही हालात अरब स्प्रिंग में भी हुए थे और दुनिया के वो तमाम जहां अवाम ने बाहर निकल कर मगरबी दुनिया के फैसलों को रिजेक्ट किया सबसे बड़ी तारीख में मसाला आप ईरान की देख लें शायद ईरान के साथ पूरी दुनिया से मौजूद थी सारा मगरब खड़ा था जिस पर अमरीकी सदर जिमी क्वार्टर के मशहूर अल्फाज जो है वो तारीख का एक हिस्सा है कि हमारे पास सब कुछ था लेकिन ख़मीनी के पास खुदा था अब इस वक्त इमरान खान के साथ अल्लाह की मदद के साथ पाकिस्तान की अवाम शामिल है देखें अजदलीगर है, हक़ की पहचान है आप देख लें कौन खड़ा है कहाँ अमरीका और मगरब का जमहूरी अलाग अलापने वाले जो एक रिकॉर्ड रहा पाकिस्तान के हर मिलट्री दौर में अमरीका ने इमदाद बहाल कर दी जब भी अमरीकी सदर पाकिस्तान आया वो मिलट्री डिक्टेटर्स के दौर में आया अमेरिका ने पाकिस्तान के जितने भी तल्क बेहतर किए हैं वो सारे इन मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में पर हमेशा परवान चढ़ते हैं क्योंकि तारीख गवाह है आप देखें कि अमरीका को पाकिस्तान समेत मिडल ईस्ट में किसी भी सूरत में जमुरी हुकूमत नहीं पसंद आती इन्हें मिलिट्री डिक्टेटर सूट करता है क्योंकि आप देखें आप एक बंदे के साथ डील कर रहे थे उसे जो चाहें जैसे चाहें जहां चाहें करवा सकते हैं मुशरफ साहब उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल जाओ अब आप देख सकते हैं शहबाज गिल के मामले पर इस वक्त जो इस इस वक्त तक फॉरेन ऑफिस अमेरिका से हदायत आ चुके थे हालांकि शहबाज गिल अमेरिका का परमानेंट रेजिडेंट भी है वहाँ पर बाकायदा तौर पर पढ़ाता रहा जो यूनिवर्सिटी में आज मेरी उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात भी होगी उन्होंने कहा हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते कोई एक बंदा इसकी हमायत में आया हो ये कभी भी नहीं आएंगे इसलिए कि ये बड़े मुफाद के लिए चाहे आप वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं जो भी ये नहीं बख्शते बड़ी मिसाल उसकी आप अमरीकी सफीर देख लें जो उस वक्त जया के साथ था अब ये लोग जितने भी ये प्रोपागेंडा करते रहे कि जी शेबाज गिल अमरीकी है जुल्फी बुखारी बरतानवी है वो सारे खड़े हैं इमरान खान के साथ वो सारे के सारे आज इमरान खान के साथ खड़े हैं ये लोग अपना मुँह रेत में छुपा कर इस वक्त बैठे हुए हालात इस वक्त ये आगे कि शोकत तरीन जैसा बंदा जो कि नजरियाती कार भी नहीं था जलसों की रौनक बना हुआ है बच्चे बूढ़े जवान खवतान वक्त जिस तरह इमरान खान के साथ खड़े इस तरह पाकिस्तान बनाते वक्त क्या तारीख को जानने वाले या फिर आप कह सकते हैं कि जुल्फकली भुटो के साथ इस तरह लोग थोड़े थे। शेख मुजीब के साथ मशर की लोग खड़े थे अफ्रीका के सूडान घाना कोई पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक टोटल बना दिया तमाम तो टीवी चैनल ने इमरान खान की तकी दिखाने पर पाबंदी लगा दी और जब आवाम ने छे सौ फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर बैकवक्त इमरान खान की तकरीब तकरीर लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया इन्होंने फिर यूट्यूब को बंद कर दिया उसके बाद सहाफ़ियों की पकड़ दकड़ शुरू होगी फैसलाबाद से लेकर कराची तक सोशल मीडिया पर इन्होंने तमाम को रातों रात उठाना शुरू कर दिया जमील फारूकी को इन्होंने उठा लिया इनका एक नया शिकार है वो जरियाब खान एक्टिविस्ट है बेचारा उसको उठा के पर्चा देकर घर से ले गए शहबाज़ गिल की भूख हड़ताल को ख़त्म कराने के लिए रात को उसे ज़बरदस्ती खाना उसके मुंह में ठोंसने की कोशिश करते रहे फिर एक वीडियो बना के जी मटन लगा रहे हैं ये, अब ये देखें लोगों को इन्हें इन इनकी एक कोशिश ये है कि किसी तरह लोगों को ये बताने की कुछ सब मामला ठीक हैं लेकिन मामला ठीक नहीं है इमरान खान पर इन्होंने दहशत गर्दी का परचा दिया है उसकी दफ़ात बहुत संगीन है अच्छा मजे की बात है इस एफ आई आर का जो मुदई है इसके भाई को इमरान खान ने रिंग रोड स्कैंडल में फ़ारक किया है ये आप देख लें आज का जो दिन मंडी बड़ा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में इसलिए कि अदालत पर लोगों की नज़र है इस वक्त क्या ये माजी में जुल्फकारो की अदालत बनेगी या ये इंसाफ पर मबनी फैसला देकर खड़े होंगे इस भूचाल को रोकेंगे मैं आपको बात बड़े बसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि बाजवा साहब की पूरी कोशिश है कि मुल्क में इंतजार फैले मुल्क में लोग जब तक इन मामलों में नहीं आएंगे बाजवा साहब के लिए लोग बहुत सारे लोग काम आएंगे इस मामले में एमरजेंसी लगाना मार्शल आर लगाना एक्सटेंशन है तभी मुमकिन बनेगा जितनी बदनामी इस वक्त उनकी हो चुकी है अब ये किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है वरना दो महीने रह गए आप चुप करके जाए इस वक्त तीन दरख्वास्तें लगी हैं अदालत में दहशत गर्दी की शिक भी लगी है जिस पर सात जजेस का फैसला है कि जब तक वो वह हो ना यह दफात लग ही नहीं सकती वो इमरान खान पर लगा दी उन्होंने जुडिशियल इंक्वायरी ये जो शहबाज गिल के मामले पर है कि तद हुआ या नहीं हुआ क्या यह मामला गदारी के जुमरे में आता है ये सारा फिर कॉशमेंट की एक दरख्वास्त है कि जो इमरान खान के ऊपर एफ आई आर है उसको खत्म किया जाए यह तमाम की तमाम हाईकोर्ट में फिर इमरान खान की ना अहली अब देखे तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर उन्होंने बंद गली में डाल दी है वह रिमांड जो कि जुडिशल बनता था उन्होंने फिजिकल रिमांड ले लिया अटतलीस सेकंड में अड़तालीस घंटों का तशद ये किसी सूरत में इजाजत कोई मुल्क नहीं देता राजा फरुख अली जो कि जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं इनका फैसला मेडिकल चेकअप करवाना था आज रिपोर्ट आनी थी अब रिपोर्ट में भी इन्होंने ढूंढ ढूंढ कर मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत के हामी जो डॉक्टर हैं उन्हें उनका बोर्ड बनाया अब देखें जिस तरह ये लोग रंग बिरंगी वीडियोज लाकर यह तासर खत्म करना चाह रहे हैं शहबाज गिल के मामले पर इसी तरह मेडिकल रिपोर्ट में भी दो नंबर ही हो जाएगी इमरान खान की जो नाअहली की इन्होंने तोशाखाना केस या फौरन फॉरन फंडिंग ये लगाई हुई है हाई कोर्ट में वो इस वक्त का मुकाम चीफ जस्टिस सुनेंगे हाई कोर्ट के अब इनकी कोशिश है इमरान खान को कानूनी तरीके से नायल करवा दें अगर वहाँ कामयाबी होती है तो ठीक है वरना कोई और मामला अब देखें इन्होंने सारे कार्ड शो कर दिए आसिफ जरदारी ने इन्हें मना किया है वैसे जो मुझे इतलात मिली है आसिफ जरदारी का कहा आग से मत खेलो इमरान खान चैलेंज कबूल करने वाला शायद वो पीछे नहीं हटेगा इसको किसी और तरीके से दो नंबरी करो को ठगी लगाओ कोई दूसरा हल निकालो लेकिन बाजवा साहब इस वक्त मुकम्मल जिद और ना पर अड़ चुके हैं और दूसरी तरफ जो बड़ी खबर यह है कि जवाबी कार्रवाई तहरीक इंसाफ अब करेगी इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मीटिंग में बार बार ये कहा जा रहा है आप कुछ नहीं कर रहे आप उठें इमरान खान समझते थे जो एरा गहरा उठते हैं एफ आई आर करवाते हैं अब सारे पंजाब में के पी के में इनके ऊपर अब जो इंपोर्टेट हुकूमत के लोग हैं राना ना ख्वाजा आसिफ मरियम नवाज़ नवाशन सबके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग अपने थानों में जाकर एफ आई आरें करवाने जा रहे हैं एक एक करके नाम लेके एफ आई आरें करवाएंगे ब्रिगेडियर फहीम ब्रिगेडियर राशिद और दे ब्रिगेडर देखें मैं नाम ले रहा हूँ तीनों के मैं एक्स वाई नहीं कह रहा मैं नाम ले रहा हूँ क्योंकि इमरान खान बहुत सारी बातें नहीं कह सकते हम तो कह सकते हैं इसीलिए मुझे फ़ोन भी आ रहे हैं कि फलां का नाम ना लेना फलां का अभी देखिए जेबा साहब का नाम लिया तो चल इनसे माफ़ी मांग लेते क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के फ़ोन आए मैसेजेस भी आए कि आप अल आदलिया के नाम लें अच्छा इस दिन के नाम नहीं लेते चलें कि बड़ों के नाम ले लें जो पीछे से बूट मार रहे हैं क्योंकि कसूर तो बूट वालों का है वो हल्की सी टो मारते हैं पीछे से ये आगे से फैसला देते हैं इमरान खान ने तसादन से बचने के लिए इस शराफत को इन्होंने कमजोरी समझ लिया अब इमरान खान तो चैलेंज और हमला करने की सलाहियत में देखें मुराद सहीद के बाद जो गंडापुर की स्टेटमेंट आई जो इस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप्स में सत्र फैली हुई इमरान खान को आप हाथ लगाए पूरा दस्ता तैयार है बनी गाला के इर्द गिर्द कारकुनों ने जिस तरह घेरा हुआ है वो कह रहे हैं किसी की जरूरत है अगर इमरान खान को हाथ लगाए फिर जो वोट को इज्जत दो कराची में देख लें आप वाकई एम क्यू एम का आप हाल देखें जिनके साथ खड़े हुए कि फारूक सत्तार के अपने घर वालों ने वोट नहीं डाला कराची की बाशूर उमाम कह रही है कि आबाइंदा हमें भुटो का ल्ताफ हु ताना मत देना हम इमरान खान के साथ खड़े तमाम हल्के जहाँ इमरान खान इलेक्शन लड़े वहाँ पर यही होगा उन लोगों की जमानतें जब्त हो जाएंगी सब लोगों की क्योंकि चारों सूबों में मौजूद वाद पार्टी तहरीक इंसाफ है जिस तरह पीपल्स पार्टी का था चारों सूबों की जंजीर अब पाकिस्तान की तारीख़ में सिर्फ अवामी लीग शेख मुजीब के साथ इन्होंने वो काम किया जनरल जया ने और आज वो जनरल बाजवा किरदार अदा हैं वही लेकिन मशर की पाकिस्तान में अखबार नहीं जाती थी लोगों को नहीं पता था मगरबी पाकिस्तान में उनके साथ क्या हो रहा है यहाँ आज बच्चे बच्चे को खबर है पाकिस्तान के लोग जानते हैं क्या हो रहा है असल वाक़ात का जिन्हें इलम उधर नहीं था सोशल मीडिया का दौर है आप खबर छुपा सकते हैं लेकिन आज चलता फिरता शख्स चैनल है पूरा आप कितने चैनल बंद करेंगे कितने यूट्यूब फेसबुक के लोगों को उठाएंगे और हर उस बंदे के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है आप इंटरनेट बंद करेंगे लोग लिख कर मैसेजेस भेजना शुरू करेंगे इस वक्त अट्ठानवे लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना काम काज छोड़कर पाकिस्तान पर नजर जमा कर बैठे मैसेज से भरा हुआ मेरा व्हाट्सऐप ये तहरीक इंसाफ की या तहरीक इमरान खान की बात नहीं है ये अब सियासी तहरीक नहीं रही ये अब पाकिस्तान की बका की तहरीक है इसलिए लोगों को पता है लोग समझ रहे हैं कि अमली तौर पर इमरान खान एक ऐसा सिंबल बन चुके हैं कि आप यकीन करें कि मेरे पाकिस्तान मुस्लिम नून के अच्छे दोस्त पीपल्स पार्टी के एम क्यू एम के लीडरान मैसेज कर रहे हैं कि यह गलत हो रहा है ये नहीं होना चाहिए आप आपको पता ताल्लुक हैं वो मैसेज दिखा नहीं सकते अतमाद का रिश्ता टूटता है ये एक शख्स की ज़िद्द और ना के पीछे पूरा पाकिस्तान दाऊपर लगा हुआ है तसादम से ग्रेज़ करना बहुत बड़ी दानशमंदी है क्योंकि यही बाजवा साहब की कोशिश है कि हालात एक दफ़ा ख़राब हो जाएँ इमरान खानों ने कहा श्रीलंका वाले मामलात हो जाएंगे फिर आप हुक्म दे के कब्जा कर लेंगे लेकिन इमरान खान कोशिश कर रहे हैं बच बचाओ का काम किया जाए और कारकुनों को भी यही समझाया जाए हाथ रख के बैठे हुए स्प्रिंग पर जिस वक्त हाथ हटाया ना बाजवा रहना है और ना कोई और एजाज झज्ज रहने अकल के होश के नाखून लें अभी भी कुछ नहीं गुजरा दो महीने गुजारें और आज आके कहीं अल्लाह अल्लाह करें बेल्जियम में जो फार्म हाउस है वहाँ रहें घूमे फिरें लोगों के साथ पिए जाके विस्कियाँ अपने रा के पुराने दोस्तों के साथ छोड़ दें पाकिस्तान को इसका हाल छोड़ दें खुदा का रास्ता रहम करें अपना खास ख्याल रखें अगली वीडियो तो तक के लिए इजाज़ नहीं अल्लाह हाफिज़